टाइम 12:25, जगह विशाखापट्टनम, और मैं निकल पड़ा था रांची की ओर। इस बार ट्रेन में हद से ज्यादा भीड़ थी, पता नहीं क्यों। मैं बहुत मुश्किल से अपने सीट पर पहुंचा, चलने तक की जगह नहीं थी, पर किसी तरह मैंने अपना जगह सेट कर ही लिया। इस बार के सफर में दोस्त भी साथ थे, तो फिर रात को सोता कैसे, मस्ती तो बनती है, साथ है दोस्त, रात का सफर है, और टाइम आ गया वैजाग को अलविदा कहने का। हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ दिनों के लिए। रात भर मस्ती करी, टीसी अंकल से डांट भी खाई, पर वो चलता है। सुबह तक तो अटेंडर भैया भी दोस्त बन गया था। मुझे याद नहीं मैं कब सोया, पर जब मेरी आंखें खुली, ये क्रेजी सीन्स थे। मैं झारखंड एंटर हो चुका था। यहाँ की खूबसूरती की बात ही कुछ और है। यहाँ के पहाड़ ले लो या नदियाँ, ओ हो, और हाँ, आपको इस तरह के मजनू भी देखने को मिल जाएंगे जो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। मजनू को अभी थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ देते हैं और हम आगे की कहानी देखते हैं। रांची की बादलें इशारा कर रही थी बारिश की, पर सच कहूँ ये मेरी आखिरी क्लिप थी। इसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, और वो क्यों वो मैं अभी बताता हूँ। मैं बुद्धों की तरह कैमरा पकड़ के इधर उधर कर रहा था, पर कुछ रिकॉर्ड हुई नहीं क्योंकि कैमरा की बैटरी हो गई थी डेड। छोटी सी क्लिप ली थी वहाँ पहुँचने के बाद, ऑन द वे टू आवर होम या रूम, जो भी जहाँ पे हम रहने वाले थे। ये छोटी सी क्लिप है बस, इतने ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो The trunk I open up, I sold my soul a good price, out of sight. My hoe got talent, right? Whole squad ran through that shit, yeah.